वेलकम बैक पीएचआमी टू द चैनल, जहाँ पे गाइस आज आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ पांच ऐसे बेहतरीन पोकेमोन की जीबी रोमैक्स, जिनके अंदर भाई आपको मिलने वाले हैं नई स्टोरी और नई रीजन। भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन गेम्स है भाई, बिकॉज काफ़ी सारे लोग बोलते रहते मेरे को भाई कि आजकल जितने भी रोमैक्स बन के आ रहे भाई, या तो एमरल्ड के ऊपर बने हुए या तो फायर रेड के ऊपर बने हुए, बट दिक्कत क्या है ना, उनके अंदर नए फीचर्स मिल जाते, जैसे कि जेन 9 के पोकेन मिल जाते भाई, जिगेंटामैक्स मिल जाता है, हिसुइन फॉर्म्स मिल जाते, बट स्टोरी वही रहता है भाई, मैप वही रहता है, तो हमको भाई उतना मज़ा नहीं आता बिकॉज हमको सब पता होता है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते रहते भाई ऐसा गेम्स लेके आओ जिनके अंदर हमको नई रीज़न और नई स्टोरी लाइन देखने को मिली। तो मैंने सोचा भाई चलो मेरे को पांच ऐसे गेम्स मिल भी गए तो मैंने सोचा चलो सबको दे देते भाई, सब लोग खेलेंगे, नए रीजन को एक्सप्लोर करेंगे तो उनको भी मजा आएगा। बाकी गाइस मैं बता दूं, जितने भी गेम्स में इस टॉप फाइव लिस्ट में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन सभी को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भाई मैं लाइन से जैसे टॉप फाइव जैसे मैं इस वीडियो में लिस्ट बताने वाला हूँ, वैसे ही मैं वहाँ पे टॉप फाइव गेम्स भाई अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके भाई सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड कर लोगे, और मैं कोई भी लिंक शॉर्टनर का यूज़ फिलहाल नहीं करने वाला, तो आपको भाई डायरेक्ट डाउनलोड मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर डाउनलोड करके कोई भी गेम खेलना चाहते हो भाई इन लिस्ट में से, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन मिल जाएगा। चलो भाई लोग अपना लिस्ट स्टार्ट करते हैं नंबर फाइव की गेम से। देखो नंबर फाइव पे मैंने रखा भाई पोकेमोन गया को। पोकेमोन गया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गेम है, ये एक ओल्ड गेम है भाई, मतलब बहुत पहले ही बन चुका है, बट इसके अंदर भाई आपको नया रीजन और नई स्टोरी लाइन तो मिलती है, और इसका भाई गेम प्ले भी मैंने अपने चैनल पे कर रखा है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग जाके गेम प्ले भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस गेम के अंदर भाई आपको पोकेमोन मिल जाएंगे, मतलब जनरेशन वन से लेकर जनरेशन सेवन तक की, मतलब कांटो से लेकर कालुस तक के आपको सभी पोकेमोन मिल जाएंगे भाई। इस गेम के अंदर आपको मेगा एवोल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी ग्राफिक्स की बात करें ना, तो ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है भाई, गेम्स की काफ़ी अच्छी वाली ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगी। जीबी है बट फिर भी भाई ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी होगी। और भाई इसके अंदर आपको फेरी टाइप मिल जाएगा, बिकॉज फेरी टाइप भी एक ज़माने में काफ़ी ट्रेंड था कि जो गेम्स बनते थे उनके अंदर भाई ये एक फीचर था, फेरी टाइप है कि नहीं बंदे इसका सोचते थे, बट अब तो भाई ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है। बाकी इसके अंदर भाई आपको फिजिकल स्पेशल स्प्लिट मोड भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ भाई इस गेम के अंदर काफ़ी सारे नए इवेंट्स होंगे, बिकॉज गेम की स्टोरी नई है और भाई रीज़न नया, तो फिर इवेंट्स भी भाई आपको सब नए नए मिलने वाले, जिम लीडर्स आपको नए मिलेंगे, कैरेक्टर्स आपको नए नए मिलेंगे भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस गेम को खेलने में, बिकॉज नया रीज़न नई स्टोरी लाइन है, बाकी और भी जो फीचर्स है वो भी कमाल के। बाकी अगर आप लोग भाई इसके सभी फीचर्स जानना चाहते हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल पर सर्च कर लो, आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी गाइस ये था अपना भाई पांचवें नंबर का गेम, अब अपन आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे भाई मैंने रखा है पोकेमोन ब्लू स्टार्स 2 को, याद रखना नाम ब्लू स्टार्स 2 भाई, ये जो गेम है इसको भी मैंने अपने चैनल पे खेल रखा है, और इसके अंदर भी भाई आपको नया रीजन नई स्टोरी लाइन दोनों भी देखने को मिलेंगे, और इसमें भाई आपको पोकेमोन मिल जाएंगे भाई कांटो से लेके कालुस तक के, मतलब कि जेन 1 से लेके जेन 7 तक के सभी पोकेमोन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भाई इस गेम के अंदर आपको तीन तीन राइवल्स मिलेंगे, मतलब एक दुश्मन कम होता है ना, दुश्मन नहीं बोल सकते भाई, एक चड्डी बड्डी फ्रेंड कम होता है ना, दो दो मिलेंगे, दो दो कम होता है, तीन मिलेंगे भाई, तीन तीन राइवल मिलेंगे। अब तुम देख लो तुमको क्या करना भाई, तीन राइवल मिलेंगे, एक परेशान करेगा उसको कैसे भी भाई दिमाग लगा के छुटकारा निकालोगे, तो एक दूसरा आ जाएगा, दूसरे को इधर उधर करोगे तो तीसरा आ जाएगा भाई, मतलब तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं है, खेलना बहुत मज़ा आएगा। बाकी इस गेम के अंदर आपको मेगा एवोल्यूशन मिल जाएगा भाई, और साथ ही साथ चैंपियन कौन होगा भाई पता है गेम, इस गेम के अंदर जो चैंपियन होगी वो होगी भाई सिंथिया हैसे चैंपियन, मतलब आपको सिंथिया को हराना पड़ेगा भाई चैंपियन बनने के लिए इस गेम में, काफ़ी बड़ी बात है भाई, मतलब सिंथिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी गाइस यही था ये गेम पोकेमोन ब्लू स्टार्स 2, और अगर आपको इस मतलब इसके बारे में और जानना है तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, साथ ही साथ मैंने इसका पूरा गेम प्ले भाई अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके भाई चेकआउट भी कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये तो भाई अपना नंबर फोर का गेम, अब अपन चलते हैं नंबर थ्री की गेम के ऊपर। देखो नंबर थ्री पे जो मैंने गेम रखा है ना भाई, वो उसका नाम है पोकेमोन ब्लू स्टार्स 3। इसके पहले था ब्लू स्टार्स 2 और अब की बार ब्लू स्टार्स 3। इसके अंदर भी आपको नया रीजन और नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ भाई इस गेम के अंदर आपको पोकेमोन मिलेंगे कहाँ तक के, कालुस तक के, मतलब मोस्टली कालुस तक के मिल रहे, बिकॉज ये सब गेम्स ना पहले बने हुए थे, और अभी नंबर वन और नंबर टू पे आपको कुछ नए गेम्स देखने को मिलेंगे। देखो इसके अंदर पोकेमोन तो भाई जेन 1 से जेन 7 तक के, साथ ही साथ नया रीजन है, नई स्टोरी लाइन है, और भाई इसके अंदर आपको मिल जाएंगे एक्सपीरियंसर, जी मूव्स, मेगा एवोल्यूशन और डेक्सनो भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आइटम है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, बाकी मेगा एवोल्यूशन तो सबको चाहिए। और जी मूव्स भी आपको मिल जाएगा, मतलब भाई पिकाचू का वो जो है ना थंडर वाला जी मूव भाई, क्या बोलते हैं 1000-10000 बोल जो भी है, वो मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, उसको ज़रूर से यूज़ करना भाई, क्योंकि जी मूव है भाई इस गेम के अंदर।
बाकी ये तो भाई अपना नंबर 3 का गेम, और देखो नंबर 3 भी मैंने इसके लिए इसको इसलिए रखा था बिकॉज इसका नाम भी है ब्लू स्टार्स 3, तो 3 तो डिजर्व करता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी अपन बढ़ते भाई नंबर 2 की गेम के ऊपर। नंबर 2 पे मैंने रखा है भाई पोकेमॉन अनबाउंड को। अब आप लोग सोच रहे हो भाई पोकेमॉन अनबाउंड इतना बेहतरीन गेम है तो उसको नंबर 1 पे रखना चाहिए था। नहीं, नंबर 1 पे जो मैंने गेम रखा है ना वो भी भाई पोकेमॉन अनबाउंड, जो सब बहुत ही बेहतरीन गेम है, आपको इसको खेलने में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बाकी पोकेमॉन अनबाउंड की भी गेम प्ले भाई आपको अपने चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर लो, एकदम बढ़िया से देख लेना। और इस गेम के अंदर भाई आपको नया रीजन, नई स्टोरी लाइन तो मिलने वाली है, उसके साथ साथ भाई आपको पोकेमॉन मिलेंगे जनरेशन 1 से जनरेशन 8 तक के, मतलब कि कांटो रीजन से लेके गला रीजन तक के आपको सभी पोकेमॉन मिलने वाले। और साथ ही साथ भाई इस गेम के अंदर आपको काफ़ी सारे डिफ़िकल्टी मोड्स देखने को मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल इजी मोड हो गया, हार्ड मोड हो गया भाई, इनसेन हार्ड मोड हो गया, वैसे जो मोड्स हैं ना वो आप गेम के अंदर चेक कर लेना, काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भाई आपको रैंडमाइज़र भी मिल जाएगा भाई गेम के अंदर ही, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी भाई इस गेम का सबसे बेहतरीन जो फीचर है ना भाई, उसका मिशन सिस्टम है भाई। इस गेम में आपको 75 प्लस मिशंस मिलेंगे जिनको कंप्लीट करने के बाद भाई आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और इस गेम के अंदर भाई आप लोगों को पता ही होगा भाई मेगा एवोल्यूशन तो है, डेक्सनो भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ भाई इसके अंदर डायनामिक्स रेड बैटल्स भी होते हैं, जो कि काफ़ी कम लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है भाई कि इसके अंदर डायनामिक्स रेड बैटल्स है भाई, है इसके अंदर, जरूर से उसको भी चेकआउट करना। बाकी पोकेमॉन अनबाउंड के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सबको पता ही होगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं भाई नंबर 1 के ऊपर। देखो नंबर 1 पे भाई मैंने रखा है पोकेमॉन डार्क वर्शिप, और भाई मैंने अनबाउंड से ऊपर इसको इसीलिए रखा है बिकॉज ये गेम है भाई 2023 में रिलीज हुआ है, और इसके अंदर भाई सभी के सभी, मतलब जो लेटेस्ट फीचर्स आपको चाहिए वो हैं। इसके अंदर आपको नई रीजन देखने को मिलेगी, नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, और मेरे को लगता है ना भाई ये जो गेम का क्रिएटर है भाई पोकेमॉन अनबाउंड के क्रिएटर से इंस्पायर हुआ था, मतलब जो पोकेमॉन अनबाउंड के अंदर आपको जो बेहतरीन सिस्टम मिलते हैं ना वो मतलब कुछ कुछ इसके अंदर भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल भाई इसके अंदर भी मिशन सिस्टम है, आप भाई मिशन वगैरह कंप्लीट करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस गेम के अंदर भी। बाकी इस गेम के अंदर भाई आपको नई रीजन और नई स्टोरी लाइन तो मिलने ही वाली है भाई, तो वो एकदम देख लेना भाई। और साथ ही साथ इस गेम के अंदर भाई आपको हिस्सुइन पोकेमॉन मिल जाएंगे, मतलब जेन 8 में जो है ना हिस्सुइन फॉर्म्स वो भी आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ पोकेमॉन मिलेंगे आपको भाई जेन 1 से लेकर जेन 8 तक के, मतलब कि कांटो से लेकर गलार तक के आपको सभी पोकेमॉन्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ भाई इस गेम के अंदर आपको मिल जाएगा मेगा एवोल्यूशन, जी मूव्स, एक्सपीरियंस शेयर, एक्सपीरियंस है ना वैसे काफ़ी कमाल की चीज़ भाई, मतलब अगर आप भाई पोकेमॉन पकड़ रहे हो और एक पोकेमॉन से आप फेंट करो तो आपको सभी पोकेमॉन्स का एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो लेवल अप करने में काफ़ी मतलब मज़ा आता है भाई, और फटाफट होता भी है तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है। बाकी इसके अंदर आपको डेक्सना भी मिल जाएगा, और इस गेम को भी भाई मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करके रखा है, मतलब कि इसमें से जो मोस्टली गेम्स है भाई उनको मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी खेल के रखा है, और उस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखो अब ये क्या है ना, अपने चैनल पे भाई मतलब ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं आते, ये वीडियोस मैं मोस्टली नए लोग के लिए बना रहा हूँ, बाकी अपनी प्रिय चामी तो भाई बहुत सारे गेम्स खेल के रखती है, और जितने लोग भी मतलब इसमें से कोई भी गेम, मतलब 5 गेम मैंने दिया, 5 में से ऐसा ज़रूरी नहीं आप सब खेलोगे, ठीक है, बट अगर आप पीजे चामी की मेंबर हो तो आप मोस्टली खेलोगे। बट एक बात है भाई, इन सभी गेम्स के अंदर आपको नई रीजन और नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जिसको कंप्लीट करने में आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो, और एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इन सभी गेम्स को जो डाउनलोड करने का है ना, अगर आप लोग सच में करना चाहते हो तो आप लोग भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं लाइन से एकदम जैसे लिस्ट में भाई 5 4 3 2 1 दिया ना वैसे मैं आपको वहाँ पर 5 4 3 2 1 करके गेम दूंगा, और साथ ही साथ गेम का नाम भी लिख दूंगा, आप एक क्लिक करोगे आपका गेम डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो डाउनलोड करने के लिए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस वीडियो देखने के लिए, कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को, एंड हैव अ गुड डे।